सो यदि आज की डेट में हम 200cc या फिर 150cc में झांक के देखते हैं फॉर फेयरिंग स्पोर्ट्स बाइक, तो हमें जो ज़्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलते। R15 मिलती है जो कि 2 लाख रुपए की है, RS200 थी जो कि डिसकंटिन्यू कर दी है, SF150 है जिसको कोई पसंद नहीं करता लाइक परफॉर्मेंस के लिए, वो सिर्फ जो है माइलेज और जो है कम्फर्ट के लिए है। तो एक ही बाइक जो हमारे पास बची है वो है इस R15। तो R15 के बाद में कोई ऑप्शन ही अपने को नहीं मिलता कि यार उस बाइक पे भी जा पाएँ। तो सिर्फ R15 आज की डेट में एकमात्र ऐसा ऑप्शन जिसको आप लाइक खरीद सकते हो परफॉर्मेंस मशीन के लिए, लाइक जो है परफॉर्मेंस के लिए, तो वो जो है इस एक ही ऑप्शन है, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। यदि मैं बोलूँ आपको कि RS200 या फिर जो R15 इनको भी बीट करने के लिए TVS अपनी RR200 को लॉन्च कर रहा है, तो आप लोग बोलोगे कि हाँ यार वो तो आनी ही है। सो ये आ रही है ये भी आपको पता है, लेकिन कब आ रही है ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था अभी तक, लेकिन फाइनली जो है इस कंफर्म हो चुका है कब आएगी कब नहीं आएगी। मंथ जो है इस कंफर्म हो चुका है जो कि आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सो इस आज की वीडियो जो है कंप्लीट जरूर देखना ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से मिल जाए। तो आपको बता दूंगा इस RS200 भी डिसकंटिन्यू करी, लेकिन RS200 का नया मॉडल काफ़ी जल्दी आएगा। पर ऐसे में जो है ना इस TVS के पास कोई भी फेयरिंग बाइक नहीं है, ना ही 150, ना ही 160cc में, ना ही 200cc में। उनके पास जो है एक ही स्पोर्ट्स बाइक है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो RR310। लेकिन अभी जो है इसे 200cc में अपनी RR200 को लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कि ये 6 स्पीड का गेयरबॉक्स देंगे, लगभग 24 से 25 bhp तक की पावर देंगे एंड लगभग 20 Nm तक का टॉर्क देंगे। सो कहने का मतलब है काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मशीन जो है बनाने वाले हैं, जिसका नाम होगा RR200। एंड इस बाइक के लिए हर कोई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, आप लोग भी, मैं भी। और इसको लॉन्च कब कर रहे हैं इसलिए जो है अगस्त के महीने में इसको लॉन्च कर रहे हैं, जो कि कन्फर्म हो चुका है काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिलेगी। तो अगस्त तक बस वेट करो, अगस्त में मेरा भी बर्थडे है, तो आप लोग बताओ आप लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, यदि आती है अगस्त में तो हम प्लान करेंगे कि यार इस बाइक को भी लाइक ट्राई किया जाए। बट TVS में कहना कि यार इनकी गियर स्मूथ, लाइक जो गियर शिफ्टिंग वगैरह ना, वो इतनी स्मूथ हमें देखने को नहीं मिलती कंपेयर करूं यामा या फिर जो सुजुकी या फिर होंडा से। तो यहां पे जाके ना इंडियन कंपनीज पे थोड़ा सा लाइक डाउट होता है कि यार कहीं पहले की तरह ना हो, तो वो चीजें हम टेस्ट करेंगे कि कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है हर कोई इस बाइक के लिए वेट कर रहा है कि यार RR200 आएगी तो कैसी आएगी। आपको बता दूं जो लुक्स है ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे, RR310 से ही इंस्पायर्ड होंगे, कुछ वैसे ही जो है बाइक लगेगी आपको, लेकिन वो जो है इतनी मस्कुलर है ना, उतनी मस्कुलर आपको RR200 नहीं लगेगी। इसमें भी आपको फ्रंट में LED प्रोजेक्टर्स देखने को मिलेंगे और रियर में जो है टेल लाइट, उसके बाद में जो है जिसमें भी आपको काफ़ी बड़ा जो है फ्यूल टैंक मिलेगा और काफ़ी सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो आप लोग जो है ना इसके लिए वेट कर सकते हो, काफ़ी जल्दी लॉन्च होने वाली। जो प्राइसिंग है वो मैं आपको बता दूं, लगभग 2 लाख रुपए तक इसकी भी ऑन रोड जाएगी। इसमें भी जो है आपको सारे फीचर्स मिलेंगे जो अपनी R15 में मिलते हैं, उसके अलावा इसमें जो आपको TFT स्क्रीन मिलेगी जो कि R15 में नहीं मिलती, उसके अलावा जो आपको एडजस्टेबल फ्रंट सस्पेंशन मिलेंगे, एडजस्टेबल लीवर्स मिलेंगे जो कि R15 में नहीं मिलते, इसी के साथ में रियर मोनोशुक सस्पेंशन जो है वो भी आपको एडजस्टेबल मिलेगा RR200 में, जो कि ऑल्सो आपको R15 में नहीं मिलता। तो प्राइस तो उतनी होगी बट फीचर्स आपको कई गुना ज़्यादा मिलेंगे। तो वो चीज़ है कि यहाँ पे आपको ढेर सारे फीचर्स मिलेंगे, उसी के साथ में परफॉर्मेंस भी मिलेगी और R15 और RS200 से बेटर मैं इस बाइक को फिर बोल पाऊंगा, लेकिन मेन डिसीजन होगा जब इसको राइड करेंगे उसके बाद। सो इस आप लोग इसके लिए वेट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक एम रखता हूँ ओनली 1000 likes का, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। बाकी इस मिलते भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइज़।